नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं सोनू। चुरहटा थाना क्षेत्र में जमकर मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, खासकर करहिया मंडी के आसपास खुलेआम अवैध मादक पदार्थों का कारोबार फल फूल रहा है। पुलिस ने कई बार दबिश देकर क्षेत्र में नशीली कफ सिरप बरामद भी कर चुकी है। क्षेत्र का बुच्ची साहू नामी तस्कर है, जो लंबे समय से इस कारोबार में सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि यह पूरा कारोबार बिना पुलिस के साठ गांठ किए हो रहा है, लेकिन अब तस्करी के साथ साथ गुंडागर्दी भी शुरू हो गई है। ताजा मामला उस समय सामने आया जब नशे की हालत में छेड़छाड़ की गई और विवाद हो गया, जिसकी शिकायत करने जा रहे युवक का साथ देने सरपंच पति मुकेश उर्फ भोले सामने आया तो तस्कर ने समझौता कराने के नाम पर बुलाया और जैसे ही पूर्व सरपंच के घर के पास पहुंचे तभी दो दर्जन से अधिक लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही आसपास अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इधर घटना की जानकारी के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। बताया जाता है कि रेखा रावत गांव की निर्विरोध सरपंच चुनी गई है, जिनके पति मुकेश उर्फ भोले को समझौता के लिए बुलाया गया था, जिनके ऊपर हमला किया गया है। बताया जाता है कि हमला करने वालों में बुच्ची साहू और कल्लू सिंह के साथ साथ दो दर्जन लोग शामिल थे, जिनके द्वारा लाठी डंडे से हमला किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद विरोध करने वालों को समझाइश के बाद मामला शांत कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी घटना और सुनाते हैं पीड़ित के साथ थाना प्रभारी का इस मामले में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मुकेश रावत उर्फ भोले। क्या घटना हुई है? ये बुच्ची साहू है, विजय साहू उर्फ बुच्ची, ये बहुत बड़ा तस्कर है माहौल का, कोरेक्स बेचवाता है। उसके साथ एक और है, उसका नाम है कल्लू सिंह, सचेंद्र सिंह उर्फ कल्लू। तो इनका विवाद हुआ, ये है लल्ली साकेत हैं, इनका विवाद हुआ तो ये लोग हमको बोले कि आप सरपंच साहब हैं तो आप चलिए हमारी रिपोर्ट लिखवा दीजिए चुरहटा थाना में। हम इनकी रिपोर्ट लिखवाने गए तो जैसे ही थाना पहुँचे उसके पहले वही विजय साहू बुच्ची का फ़ोन आया। उसने हमको बोला कि सरपंच साहब आप रिपोर्ट मत लिखवाइए, FIR मत करवाइए, समझौता करवा दीजिए। तो हम कहें क्या समझौता करवा दें, कहीं हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, गलती हो गई। तो हमने ये बोले कि नहीं वो समझौता न करी वो मारी। फिर हम बोले ना अपना हम बात मान ली, चलिए हम समझौता करवाई थे। अब जैसे गैन मतलब जो हमारे पूर्व सरपंच बबलू कुशवाहा उनके ऑफिस में हम बुलाएं कि वहाँ आ जाओ हम समझौता करवाए दे रहे हैं। और जैसे हम वहाँ पहुँचे दो मिनट हुआ नहीं बुच्ची साहू विजय साहू उर्फ बुच्ची और ये सचिन सिंह कल्लू कम से कम 25-30 लड़के लेके मैंने मना करते करते इसको मारना शुरू करे ऑफिस के अंदर घुस के। और हमने उनको मना किया तो पहले तो हमको मारे, वो खुद ही मारने लगे हमें। हमने जब जाना कि ये नहीं मानेंगे तो मैं इसके ऊपर लेट गया, फिर भी हमको मारे। ये देखिए हाथ यहाँ मेरा पैर इतना सूज आया हाँ, अरे डंडा से डंडा हाँकी ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र उर्फ लल्ली साकेत। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, हम बगीचे में अपने करहिया नंबर पर बगीचे पर बैठे थे तो वहीं चार लोग हम बुच्ची कल्लू और ये मुकेश रावत हम लल्ली साकेत बैठे थे वहीं होगा। वैसे ही खाना पीना चल रहा था, वहाँ से हम लोग निकले तो वो हमारे चाचा की लड़की निकली, तो बुच्ची साहू ने बोला कि ये मेरी साली है। तो हमने बोला क्योंकि साली है आपकी है, ठीक है साली है। तो उसने बोला कि इसका नाम उमा है, ये चूमा देती है मेरे को। इतने में उसने मेरे सिर में दारू का बाटल, वही बाटल रखा था, सिर से बाटल मार दिया। कौन है जो मारा है? बुच्ची साहू करहिया नंबर वन का तस्कर है। इसकी रिपोर्ट थाने में हुई है? इसकी रिपोर्ट हाँ जी, इसकी रिपोर्ट मामला दर्ज हो गया जी। कौन कौन घायल है आपके पास? कौन कौन घायल है? क्या घायल कौन कौन है? हम लोग दो, मुकेश रावत था और हम पुष्पेंद्र। दो दूसरे घायल हैं, सरपंच भी है। सरपंच हाँ जी जी जी।
सरपंच पति हैं जी। उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? उनका मुकेश रावत। सब करिए प्रयत्न जी। अभी जाम लगा था, क्या घटना हुई? यहाँ गांव में विवाद हुआ था, उसी से आक्रोश भी सड़क पे आ गए थे, जिन्हें समझा दिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज हो गई है और जो पीड़ित पक्ष है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उनकी MLC हो गई है, डॉक्टरी है, इलाज चालू है लोगों का। जाम हट गया बिल्कुल।